أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم हमें दुरुस्त रास्ते पर चलाइए उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम फरमाया है, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गज़ब हुआ और न उन लोगों का जो राहे हक से भटके हुए हैं। दुरुस्त रास्ते पर चलाइए और जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम नाजिल फरमाया है, इससे कौन मुराद है कि वो लोग कौन हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ हो। ख़ुद कुरान मजीद में उनका ज़िक्र है कि वो चार हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये वो चार लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम नाजिल किया है। और सूरह फातिहा के अंदर ऐसे ही सीधे रास्ते की दुआ की जा रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। और फिर आगे कुरान वाज़े करता है कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम नाजिल किया है। कुरान करीम का एक उसलूब है कि कुरान करीम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है, यानी कुछ अल्फाज और कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी तफसीर खुद कुरान करीम के अंदर ही मिल जाती है। जैसे यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किन लोगों पर इनाम नाजिल किया, अगर इसकी तफसीर देखना हो तो कुरान करीम के ही अंदर मिल जाता है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर इनाम नाजिल किया जो अंबिया है, जो सिद्दीकीन है, जो शुहदा है और जो सालिहीन है। तो पता चला कि उन लोगों का रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है और इन्हीं के रास्ते पर चलना कामयाबी की तरफ चलना है, गोया इनकी राह पर चलना और इनकी पैरवी करना दीन में मतलूब है। मालूम हुआ कि कुरान मजीद ने जहाँ कहीं आबा व अजदाद की इत्तबा से मना किया है, उससे वो आबा व अजदाद मुराद हैं जो हक रास्ते से हटे हुए थे। जो लोग राह हक पर साबित कदम थे, उनकी राह पर कायम रहने की तो दुआ कराई गई है। इसी से अइमे मुज्तहिदीन की तकलीद का जायज़ होना साबित होता है, क्योंकि वो लोग सालिहीन में से थे। आगे फरमाया गया कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दालीन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ हो और ना उन लोगों का रास्ता जो राह हक से भटके हुए हों। इंसान की गुमराही का हमेशा दो में से एक सबब होता है, हक और सच्चाई की तलाश में कोताही और उसकी वजह से नादानिस्ता गुमराही का इर्तिकाब। ज़ालीन से ये लोग मुराद हैं दूसरे सच्चाई को जानने के बावजूद उसका इनकार, ऐसे लोग गज़ब शदीद के मुस्तहिक हैं, ये मग़ज़ूब अलैहिम हैं। कुरान मजीद ने इन दोनों गिरोहों की गलती से बचाने के लिए दुआ सिखाई है। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि मग़ज़ूब अलैहिम का मिसदाक यहूद और ज़ालिम से मुराद ईसाई हैं। ये जो दो कौमें हैं, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम से मुराद दोनों हैं, एक से मुराद यहूद है और ज़ालिम से मुराद ईसाई है। इसका मकसूद ये है कि मग़ज़ूब गिरोहों और कौमों में एक यहूद और गुमराहों और ज़ालिम में एक ईसाई है, न ये कि सिर्फ यही कौम इससे मुराद है। और ऐसा आपने इसलिए इरशाद फरमाया कि ईसाइयों ने नबी बरहक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इफ़राद से काम लिया और उनको रसूलुल्लाह से इब्नुल्लाह यानी खुदा का बेटा बना दिया। यानी ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा ऊपर मर्तबे पर पहुंचा दिया कि गोया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि कुरान करीम में साफ वाज़े फरमा दिया गया कि लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह ना किसी का बेटा है और ना अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह का कोई ख़ानदान नहीं, अल्लाह की कोई आबा अजदाद नहीं और ना ही अल्लाह की कोई नस्ल है। तो गोया कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम को इतना बुलंद कर दिया कि उन्हें इब्नुल्लाह यानी खुदा का बेटा बना दिया, इसलिए वो गुमराह हुए और ज़ालिम के ज़ुमरे में दाखिल हुए, गुमराह लोगों में दाखिल हो गए। यहूदियों ने अल्लाह के पैगम्बरों के साथ तफरीद की
उनकी ईज़ा रसानी और इहानत के दरपे हुए, इसलिए बार बार अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए। यहूदियों के बारे में आता है कि अंबिया के साथ इतनी ज़्यादतियाँ करते थे और इतना जुल्म उन पर ढाते थे कि एक एक दिन के अंदर 70 नबियों को वो कत्ल कर देते थे। 70 नबियों को रोज़ाना वो शहीद करते और फिर रात में बैठकर दस्तरखान पर ऐसी खुशियों के साथ खाना खाते गोया कि उन्हें एहसास तक नहीं होता था कि आज हमने 70 अंबिया को शहीद कर दिया है। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता था। तो ये यहूद थे, इन्होंने नबियों के साथ तफरीत की, यानी उनके मुकाम को घटाया, उनके मर्तबे को घटाया यहूदियों ने, और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाम को बुलंद कर दिया। तो ना इफरात मतलूब है ना तफरीत मतलूब है, हर एक का अपना मकाम अपनी जगह पर है। गोया उम्मत को दोनों बातों से मना कर दिया गया, इससे भी कि अल्लाह के नेक बंदों के मामले में इफरात और मुबालिगे से काम लिया जाए, यानी इस बात से मना किया गया कि जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, उनका मकाम अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े अल्लाह वाले हो गए तो उनको इतने बड़े मकाम पर पहुंचा दिया जाए कि एक सहाबी का मकाम भी घट जाए। जैसे कि आपने सुना होगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि सहाबी का मकाम बड़ा है या किसी वली का मकाम बड़ा है, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, लेकिन इनका ऐसा दौर गुजरा है हुजूर के सहाबी का, इनकी खिलाफत का, कि इनके दौर खिलाफत के अंदर आपस में मुसलमानों की जंगें हुई, रसा कशियाँ हुई, मुसलमानों ने एक दूसरे को कत्ल किया, एक दूसरे को शहीद किया। तो बहुत सारे ऐसे मामलात आए जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर आए। और एक वली है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो ताबईन में जिनका शुमार होता है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर ऐसा इंसाफ पसंद गुजरा है कि ज़कात देने वाले तो मिल जाते थे लेकिन ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। इतना अच्छा दौर, फरावानी का दौर गुजरा है। तो एक सहाबी का दौर जिसमें आपस में जंगें हुई, और एक ताबई का दौर जिनका मकाम सहाबी से छोटा होता है, इनका दौर बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, इंसाफ के साथ गुजर रहा है। तो किसी ने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया कि ये जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है, जो सहाबी रसूल है, इनका मकाम बुलंद है या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबई है, सहाबी नहीं है लेकिन इनका दौर इंसाफ के साथ गुजरा है, तो क्या इनका मकाम बुलंद है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अमीर मुआविया तो बहुत दूर की बात है, खुदा की कसम अगर कोई सहाबी अभी इस्लाम लाए हो, उन्होंने ना कोई नमाज़ पढ़ी हो, ना कोई रोज़ा रखा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के अंदर निकले हो, अल्लाह के रास्ते में निकले हो, और अल्लाह के रास्ते के अंदर जिस घोड़े पर वो सवार थे, उस घोड़े के नाक में जो धूल बैठी होगी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का मकाम उस घोड़े के नाक की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबी का मकाम तो अपनी जगह है। तो औलिया और बुजुर्गान दीन ये अपनी जगह पर हक है, लेकिन इनका मकाम अपनी जगह महदूद है। सहाबा कराम का मकाम अपनी जगह है, अंबिया का मकाम अपनी जगह है। स्टेप बाई स्टेप और तरतीब बाई तरतीब अल्लाह, उनके बाद रसूलुल्लाह, फिर आपके बाद सहाबा, फिर ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, ये सबके मकाम और मरातिब है। तो उनकी मोहब्बत के अंदर और उनके साथ इफरात और तफरीत करते हुए और उनके साथ मोहब्बत में गुलू करते हुए उनके मकाम को बड़ा नहीं देना चाहिए, इस बात की यहाँ पर ताकीद की जा रही है। गोया उम्मत को दोनों बातों से मना फरमाया गया, इससे भी कि अल्लाह के नेक बंदों के मामले में इफरात और मुबालिगे से काम लिया जाए, कि यही गुमराही का पेश खैमा होता है। और इससे भी मना किया गया कि उनके बारे में इहानत व तहकीर का रवैया अख्तियार किया जाए, ये भी मुनासिब नहीं है कि भाई ये कौन है बुजुर्गान दीन, ये होते कौन है, ये वलियाँ होते कौन है, इनका मकाम बढ़ाना भी नहीं है और ना इनके मकाम को घटा देना है। तो एक तबका वो होता है जो वलियों को मानता ही नहीं, जो बुजुर्गान दीन और उनकी करामतों का सरे से इनकार ही करता है, तो ये भी मुनासिब नहीं है और बिल्कुल गलत है। तो दोनों बातों से मना फरमाया गया, इहानत तो तहकीर का रवैया अख्तियार किया जाए कि ये खुदा के गज़ब को दावत देना है। आखिर में फरमाया गया कि वलज़ालिन के बाद जो हम आमीन कहते हैं, तो सूरह फातिहा के ख़त्म पर आमीन कहना मसनून है, सुन्नत है। इसके माना है ऐ रब कबूल फरमा लीजिए। आमीन का मतलब होता है कि जो हमने जो कुछ मांगा है या अल्लाह इसको कबूल कर ले,
क्योंकि आमीन जो लफ्ज़ है ये खुद एक दुआ है, जैसे आप तर्जुमे से खुद समझ जाए कि अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, आमीन का मतलब है, तो ये खुद एक दुआ है। अबू मैसरा से मरवी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फातिहा पढ़ाई, जब वलज़ालीन पर पहुँचे तो कहा कि आप आमीन कहें, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इससे मालूम हुआ कि नमाज के बाहर भी आमीन कहना मसनून है, यानी नमाज के अंदर तो आमीन कहते ही हैं, लेकिन नमाज के बाहर जैसे अभी सूरह फातिहा पढ़ी गई तो वलज़ालीन के कहने के बाद सुनने वालों को भी चाहिए कि आमीन कहे, मसनून है। नमाज में इमाम और मुख्तदी दोनों आमीन कहेंगे। हदीस में आमीन का ज़ोर से कहना भी मनकुल है, ज़ोर से कहना भी साबित है और आहिस्ता कहना भी साबित है, इसलिए दोनों तरह आमीन कहना दुरुस्त है, अलबत्ता आहिस्ता कहना अफजल है। अफजल और मफजूल का फ़र्क है, यानी ज़ोर से कहना तो दुरुस्त है और आहिस्ता कहना भी दुरुस्त है, लेकिन अफजल ये ज़्यादा सवाब का बायस है कि आहिस्ता कहा जाए, क्योंकि अल्लाह तो हर बात को सुनते हैं, हर एक के दिल की धड़कन को, आवाज़ को सुनते हैं, तो हम लफ्ज़ आमीन को ज़्यादा ज़ोर से कहने के बजाय धीमी आवाज़ में कहें, इसको भी अल्लाह सुनने वाले, क्योंकि आमीन बिल इत्तेफाक दुआ है, जैसे कि हम सबका इत्तेफाक है कि जो लफ्ज़ आमीन है ये जो है दुआ है, और दुआ के बारे में कुरान मजीद ने एक अदब सिखाया है कि उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कि अपने रब से दुआ मांगो, अपने रब से जब कभी मांगो तो तज़र्रु के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ और खुफिया खामोशी के साथ मांगो। तो दुआ का अदब भी कुरान ने सिखाया है कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, तो खामोशी के साथ मांगनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ जब वलफ़ालीन कहा जाए तो हमें चाहिए कि आमीन कहे। एक तो वह तबका है जो बहुत ज़ोर से आमीन कह लेता है, ये भी मुनासिब नहीं है, दुआ के आदाब के ख़िलाफ़ है, और एक वो तबका है जो आमीन बिल्कुल मानता ही नहीं, कहता ही नहीं है, यानी बहुत सारे हजरात हम में से भी ऐसे होते हैं जो आमीन कहते ही नहीं है। लफ्ज़ आमीन के बारे में कहा जा रहा है कि जब वलफ़ालीन कहे तो आमीन कहो, तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी लफ्ज़ को ज़ुबान से अदा करो, यानी ये नहीं कि दिल का दिल में आमीन कह दे, इसको कहना नहीं कहते, मैं आपसे कोई बात कहना चाह रहा हूँ और बस दिल में सोच लूँ तो ये बात कहना नहीं हुआ, हाँ मैं इसको एक ज़ोर से कहूँ या फिर धीरे से कहूँ, लेकिन कहना तो पड़ेगा, लफ्ज़ तो ज़ाहिर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कोई बात ज़ोर से कह दूँ या आपको सुनाई दे, या फिर करीब आकर कोई बात चुपके से कहूँ, लेकिन खामोशी से कहने के लिए भी होठ हिलाने पड़ेंगे, ज़ुबान को हरकत देनी पड़ेगी, कोई ना कोई लफ्ज़ निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ज़ोर से कहें या धीरे से कहें, लेकिन कहना ज़रूरी होता है। खामोशी का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल उस लफ्ज़ को अदा ही ना किया जाए और दिल का दिल में सोच लिया जाए। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि जो आमीन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि जब इमाम वलज़ालीन कहे तो आमीन कहना चाहिए, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ से कहे कि कम अज़ कम अपने कानों को तो सुनाई दे, ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ के आदाब में से कि जब अपने आप से दुआ करो तो गिड़गिड़ाहट के साथ, और दूसरा आदाब ये कि खामोशी के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।